वो तो हो गया ना, कल ही तो करा है, कल कंप्लीट हो गया था, सोचना वही करवा रहा हूँ। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 10 सोचा था, अगर मर्ज नहीं होता तो चैप्टर नंबर 10 करवाता। हाँ वो बड़ा बेहतरीन चैप्टर, बड़ा बेहतरीन चैप्टर। वो कहे लंबे बाल वाला कहे सब फारिग है, ऑनलाइन में है भाई। मोटी पतली कहे भाई, इसमें से कोई है? साथ भाई कैसे हो यार, क्यों भाई ऑनलाइन क्यों है यार, डर गया क्या? नवीन ये मोटी पतली है तो साथ कौन था? लंबे वाला। वालेकुम सलाम जुनेद भाई कैसे हैं? अच्छा तबीयत ठीक नहीं बेटा, प्लीज एहतियात करा करो ना बेटा, जुनेद की डेमो क्लास है भाई आज। अच्छा तो मेरे भाइयों ऐसा है कि ये चैप्टर है ना बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर की अजीब बात यह है कि ये चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज होने की कैपेसिटी बड़ी रखता है। यानी कि सिनारियो बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे ना तो इस चैप्टर को बड़ा मेन बना के घुमाने के लिए बड़ा अच्छा एरिया है एग्जामिनर के पास। तो हमारे पास इस बिजनेस, अच्छा मैं बताऊं ये किस किस चैप्टर से मर्ज हो सकता है मेरे भाइयों, ये चैप्टर नंबर 8 से मर्ज होगा एचआर से, क्योंकि जब मैं हायर करता हूं तो वहां रेफरेंसिंग का बड़ा ताल्लुक होता है, एथिक्स आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग होगी। डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर बड़ा मसला आ जाता है कि लेट सपोज आप लोग अब यहाँ आए हो तो क्या आप लोगों को ये मर्ज करना एथिकल है कि अनएथिकल है, ये चीज को देखना जरा पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ऑल दो हम मर्ज हो रहे हैं क्योंकि अब उनके दो टॉपिक बचे, तो अब उनके दो टॉपिक पढ़े, आपके अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, नौ रहते हैं। तो एथिकली तो ये है कि हम आपको क्या करें वो दे दें, लेकिन बात सारी है कि सेटिस्फेक्शन भी तो होती है ना कि यार एथिकली तो चलो ठीक है, लेकिन बात सारी है कि बच्चों को ओन जब तक नहीं करो ना मजा नहीं आता कि भाई डे एंड तक है ना उनके साथ रहना कि हाँ यार फिक्र नहीं करो हम साथ हैं। तो वो वाला एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, सारे टीचर्स ने, मैंने नहीं सारे टीचर्स ने क्या किया, हम क्या करते हैं सितंबर में अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई भाई तू फास्ट ट्रैक आके समझ ले, तो ऑल दो वहां जो पढ़ा दिया वहां जो रिवाइज हो रहा है वो एथिकली हमने वहां कर दिया, लेकिन ये क्या है एक कर्टसी पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिससे इवेंचुअली हमारी ब्रांड बिल्डिंग होती है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि हो सकता है सर ने वहां अच्छा ना पढ़ाया हो, तभी तो बच्चा आ रहा है कि सही समझ नहीं आया वहां पर क्या पढ़ा, तभी सर ने बुलाया होगा लगता है। तो हमेशा याद रखना ऑर्गेनाइजेशन काम, मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर, इसे कहते हैं मेरे भाइयों CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम कहते हैं ना ज़कात देना तो फर्ज है लेकिन सदका देना भी जरूरी है। वो सदका क्यों दिया जाता है कि अपन कहते हैं कि यार सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, एक लोग जो जरूरी है आपके माल में से पैसे देना वो तो दो, लेकिन साथ ही साथ आप सदका भी करो ताकि लोग जो सफेद पोश लोग हैं उनको क्या हेल्प हो। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल की जो महंगाई हो गई है उसमें क्या कहा जाता है, एक ह्यूमन थॉट है मेरा कि लेट सपोज अगर फैमिली के साथ आप चार दफा आउटिंग करते हो तो महंगी होने की वजह से दो दफा आउटिंग करोगे, और अगर आप चार दफा अफोर्ड भी कर सकते हो तो आपको खुद दो दफा करनी चाहिए, बाकी जो दो दफा का आपका जाने का खर्चा है वो आप किसको दे दो, अपने मासी चौकीदार या जो भी एक्स वाई जेड बंदा है उसको दे दो ताकि वो भी इज्जत के साथ काम कर सके। तो ये जिस तरह हम सबका CSR में आता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी CSR करती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं हराम कमाऊं और उसमें बड़े बड़े सदके करूं तो ये तो सुनते हुए भी अजीब लगता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी CSR कर रही है दबा के, लेकिन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ कर रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो ब्राइब की बेसिस पे मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करके मिल रहे हैं,
दूसरी कंपनी को स्कैंडल में ला के मिल रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सीक्रेट्स को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करके ग्रोथ बनाई जा रही है। अब इसकी मिसाल ऐसी है, मजाक में अगर कहें तो एक बंदे ने स्नैचिंग की रात में और सुबह मस्जिद के इमाम को आईफोन दे दिया, बोला मेरा दिल कर रहा था आईफोन देने का, तो मस्जिद के इमाम को पूछना चाहिए भाई तू लाया कहां से ये। तो पहले जो हमारी एनजीओ होती थी ना भाइयों, वो रजिस्टर नहीं होती थी, मसाजिद भी रजिस्टर नहीं होती थी, अब रजिस्टर होती है। अब मस्जिद का भी खोलने में पाबंदी है, जब से रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा हो गई ना हमारे यहाँ, जिसमें सेक्शन फाइट्स हमारे पास ज्यादा हो गई, तो उसके बाद ऑथराइज किया जाता है कि इस इलाके के इतने डायमीटर के, पहले अगर आप देखो, आप लियारी चले जाओ, खरदर चले जाओ, इस जगह पे चले जाओ, आपको एक गली के अंदर दो दो मस्जिदें मिलेंगी, बहुत ज्यादा मस्जिदें मिलेंगी। लेकिन अगर अब आप इलाकों को देखो जो कि बहुत कम ही है, वहां पर थोड़े डिस्टेंस पे अगर एक मस्जिद है तो उसको ही कंसिडर किया जाता है, ज्यादा नहीं, और अगर है भी तो एक किलोमीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है, लेकिन जहां बन गई वहां बन गई। तो मसाजिद को भी है ना, बेस्ड ऑन देयर सेक्शंस क्या किया, रजिस्टर करवाया कि भाई यहाँ जो एक्टिविटी अगर कोई मौलवी करेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो जुम्मे के बयान वाले भी बात की जाती है कि ये बातें होंगी आपके मेंबर से, कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि बात सारी है कि उससे आप अगर अपना फायदा ले लेते हो। जैसे बाज दफा अल्लाह माफ करे हालात तो सब पे आते हैं, और हमारी ये ना अहली है कि हम इस तरह की चीजों में एक्टिविटी और पार्टिसिपेट नहीं करते। बाज दफा इमाम सबके की ज्यादा बातें करता है और आखिर में कहता है कि यार मस्जिद तुम्हें, तो हमें इवेंचुअली ये फील होता है कि यार इसने जो बात की, हो सकता है कि मस्जिद के। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, अनएथिकल। तो ये चीज को समझना हमारे लिए सीएसआर में बड़ा जरूरी होता है। तो इस चैप्टर के ना दो पार्ट है, एक सिखाएगा एथिक्स क्या है, जैसे कि ये वाला पेज पहली हेडिंग बता रही है एथिक्स क्या है। एथिक्स एक डिसिप्लिन है जिसे हम सीख के क्या सीखते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जब मैं बात करता हूं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन है कि आप मेरे इस एटीट्यूड को क्या लेते हैं। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर लड़के चेन पहनते हैं, तो कोई लोग कहते हैं भाई ये शरीफ लड़का नहीं है, भाई चेन के पहनने से क्या शराफत और बदमाशी का पता चलता है। या फिर अगर वो अगर सिगरेट पीता है तो क्या वो गंदा। तो ये जो चीजें परसेप्शन ह्यूमन टू ह्यूमन क्या करती है, चेंज होती रहती है। तो जब हमारे पास मल्टीपल परसेप्शन आ जाते हैं ना मेरे भाइयों, तो यहाँ पर है ना बिजनेस एथिक्स का बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई बिजनेस को मैं मिसाल के तौर पर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं किसी को धोखा देके प्रॉफिट कमा दूं। जैसे अल्लाह माफ करे, वो अपन नहीं सुनते लाहौर में गधा काट के खिला दिया, अब जैसे वो कराची हलीम वाले को बंद कर दिया था। अच्छा क्यों बंद कर दिया कराची हलीम वाले को, कि भाई वो जो चिकन की हलीम देता था ना उसपे बेसिकली होते थे व्हाइट धागे, उसको पानी में रख के वो लच्छे बन जाते हैं, और फिर वो लच्छे हम बोलते वाह यार हर निवाले में चिकन आ रही है। अब चिकन इतनी महंगी हो गई है तो हर निवाले में कैसे आएगी ना। तो कहने का मकसद है ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा इम्पेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन परसेप्शन के अलग से इसको कहा कि वी नो दैट बिजनेस कंपीट विद ईच अदर टू गेन प्रॉफिट और कमर्शियल एस्पेक्ट, लेकिन आपने उसमें किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी, कोई स्कैंडल्स नहीं बनाने, कोई ऐसे काम नहीं करने कि जिससे क्या हो एनवायरमेंटल इशू। इसी एक एग्जांपल है, देखो लॉन्डो पे भाई सिंपल सी बात है, लड़के हैं ना उनसे काफी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अब पता होता है यार तू तड़ाक से बात चल रही किसी की बजा दी तो लड़का एक्सेप्ट कर लेता है, मोबाइल यूज कर लिया उसकी बजा दी। लेकिन फीमेल के साथ ये नहीं हो सकता, तो फीमेल के लिए क्या किया जाता है, हम कहते हैं कि ठीक है आप मोबाइल यूज कर लें। अब हमने क्लास में लीगल किया हुआ है फीमेल्स के लिए, अब पता चला फीमेल लगी हुई है। अब एक होता है जेन्युइन लगना और एक होता है कि भाई अनइंटेंशनली बिला वजह लगना। अब उसमें लीगल तो है लेकिन अनएथिकल। तो ये भी समझाया गया कि बास काम लीगल तो होते हैं लेकिन हम नहीं करते। जैसे खुशी का इजहार है, मना नहीं है, लेकिन इतना मत करो कि भाई सामने वाला बेजार आ जाए। जैसे हमारे मोहल्लों में शादियां चलती हैं घरों में, भाई ठीक है यार तेरी प्लेलिस्ट है तू सुन अकेले, हमें क्यों सुना रहा है भाई, हमें नहीं सुनना बोले चूड़ियां, हमारी चूड़ियां नहीं बोलती हैं।
भाई आप अपने काम से काम रखो, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर थोड़ा ही मसला है। तो हमें ये भी सिखाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर कि भाई आपको अपने, अगर आप किसी अनएथिकल इवेंट में आ जाते हो तो एक इंडिविजुअल को कैसे उस अनएथिकल इवेंट से अपने आप को ओवरकम करना है, वो ऐसे कौन से टेस्ट परफॉर्म करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार लेट सपोज इवेंट हमारे साथ क्या होता है, सिगरेट पी लिया यार, सब तो पीते हैं, एक ही तो पिए, तो बेसिकली इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट कि आपने गलत काम किया लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको लगता है यार एक ही क्लास तो मिस किए, एक ही टेस्ट तो नहीं दिया, एक ही टेस्ट तो खराब दिया है, एक ही में तो फेल हुआ, ऑल्दो उसका कॉन्सिक्वेंस आपके हिसाब से गलत है लेकिन एनवायरमेंट के हिसाब से अलग है कि भाई आपका फेल होना टीचर की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है कि उसने ठीक तरीके से नहीं केटर करवाया। आपके लिए तो कोई बात नहीं है, आपका क्लास में मिस करना कोई बात नहीं है, लेकिन बाद दफा बच्चे होते थे, मैं अपने बच्चों को बेटा यार अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको वो लगता है ना कि नहीं यार थोड़ा सा ड्रैग हो गया है, तो ब्लंटली बोल, देखो इज्जत के साथ बंदा बोल सकता है कि सर यार मजा नहीं आता। तो जाहिर सी बात है अगर मैं बोलूं मुझे सब आता है तो भाई मुझे सब नहीं आता, तो अगर आप लोग मुझे जेन्युइन फीडबैक दोगे तो ये मेरी अपनी इंप्रूवमेंट है, तो वो इंप्रूवमेंट कहना बुरी बात नहीं है, अंदाज जो होगा उस पर बात की जाती है। तो हम कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई, जैसे मिसाल के तौर पे दो बंदों की तू तू मैं हो गई, अब किसी ने किसी को गाली दे दी, फिर इसके बाद हाथापाई हो गई, तो दोनों से पूछा जाएगा यार गलती किसकी थी, क्या उस मौके पे गाली देना चाहिए थी। इसे कहते हैं मिरर टेस्ट करना कि अगर आपसे गलती हो गई तो आप अपने सेल्फ से पूछो मिरर में रख के भाई क्या ये करना तेरे लिए ठीक था कि नहीं था, उस टाइम पे अपने मुंह को संभाल सकता था, हाथों को संभाल सकता, नहीं तो हम कहते हैं मिरर टेस्ट। और जाहिर सी बात है जब हम कोई गलती करेंगे, कोई ऐसे इवेंट में आ जाएंगे जिसमें मिसाल के तौर पे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया बच्चा, रेपुटेशनल लॉस, रिस्पेक्ट गई, प्रोडक्टिविटी लेवल गया। सर प्रोडक्टिविटी लेवल कैसे गया, अब टीचर उसी को टॉन्ट करेगा, तो बंदे से एक दफा गलती हो गई लेकिन बार बार उस चीज को रिमाइंड करा करा करा, हाँ यार अब मैं तो करूंगा जो करना कर ले, या मेरा आपकी क्लास लेने को दिल नहीं कर रहा आप मुझे टॉन्ट करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी लेवल या मैं हर क्लास में आपको आके है ना समझाना शुरू कर दो, आप बोले यार पढ़ा भी लिया कर, हमेशा भाषण नहीं दिया कर, डिपेंड करते हैं ना यार क्या टाइम है क्या नहीं है, तो मोटिवेशन, लेकिन हर दफा मोटिवेशन के मंजन भी तो नहीं दिए जाते ना, वो कभी कभार जरूरत होती है भाई चेरी ऑन द टॉप दे दिया दे दिया। तो हम अगर किसी बैड एक्टिविटी में मेरे प्यारे भाइयों, तो यार रेपुटेशनल लॉस है, फिर अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना, अब आपने चीटिंग कर ली, लेट्स सपोज कर रहा था दोस्त चीटिंग और आप पकड़े गए, अब उसको जस्टिफाई करने में साला टाइम भी जाएगा पैसा भी जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्कैंडल में फंस जाती है और मिलियन ऑफ रुपीस लगा देती है उस स्कैंडल को साफ करने में, तो ट्रस्ट भी चले जाता है, फिर उसी चीज को वापस ओवरकम करने में इतना टाइम लगता है, ट्रस्ट कस्टमर का चले जाता है, आपके सप्लायर्स का चले गया, जो लेंडर्स हैं आपको पैसे दे रहे हैं उनका चले गया, तो भाई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इस पैराग्राफ में तो आपको ये, अच्छा इसको एक और अंदाज में देखते हैं, लेट सपोज अभी कोविड आया ना अपने यहाँ, तो कोविड में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कोविड में ऑर्गेनाइजेशन ने किया मेरे भाइयों कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया, स्कूल में मैं स्कूल में पढ़ा था तो वहां लोगों को निकाल दिया, अब निकालने का तरीका बड़ा जबरदस्त था, ऑर्गेनाइजेशन ने टीचर्स को बुलाया और स्ट्रेट फॉरवर्ड का गया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें काम कर रहे हैं आपको 2 महीने की सैलरी एडवांस दे रहे हैं ठीक है, और इंशाल्लाह जब हम वापस स्टेबल हो जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। तो जब ये हुआ तो टीचर्स ने काफी कहा कि यार सर 2 महीने की सैलरी, पता नहीं कोविड कब तक रहे कब तक ना रहे, हमें पता नहीं इस चीज का, तो ये करना ठीक नहीं। तो इस पर मीटिंग्स हुई, तो क्योंकि हमारी स्कूल काफी कंसर्न होती है इस चीज में, तो उसने लॉयर को बुलाया, बोला यार ये बताओ कि एथिकल है नहीं होगा, बोला एक काम करो आप जो सैलरी स्लैब दे रहे हैं ना वो ना दे, उससे थोड़ा कम दे दो, लेकिन किसी को निकाले नहीं इस शुरू, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो पीरियड है कितना चल सकता है, समझ आ रही बात। अच्छा सीडीसी ने भी क्या किया जब फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसने बोला अपने एम्प्लॉयज को बोला देखें यार जो लोग अभी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, जो अपने बोनसेस का वेट कर रहे थे, जो अपने पॉक्स के बढ़ने का वेट कर रहे थे, सैलरी बढ़ने, यार अभी हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम आपको निकाल नहीं रहे, तो ये क्या है एथिकल। लेकिन लेट सपोज आपने कहा कि यार मिसाल के तौर पर एक ऑपरेशन चल रहा था,
उसमें लॉस हो गया। देखो बंद करना नाजायज नहीं है, लीगल है, लेकिन जिस अंदाज में बंद कर रहे हैं वो अनएथिकल है। क्या आपने बोला भाई, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मॉल का है ना चीफ इंटरनल ऑडिटर था, पोर्शन पे वो मॉल था बेसमेंट। ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम गए अगले दिन ना तो वेयरहाउस बन चुका था, रात तो रात वेयरहाउस बना, क्योंकि उसके ओनर का वो एक पार्टी है उनके साथ थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, तो उसे बंद करना पड़ा। रात तो रात अपनी सारी चीजें खत्म करनी पड़ी, मतलब सामान हट रहे थे, चीजें हट रही थी। तो फिर हमें वहां पर उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो अब हम ऑपरेशंस कंटिन्यू करें। तो हम जाहिर सी बात है, मैं तो एक फिर भी पढ़ाई करके गया था, लेकिन वहां का जो स्टाफ था, नॉर्मल जो स्टाफ होता है जो शेल्फ के पास खड़ा होता है, उनकी जॉब के तो वांदे हो जाते। तो सबको कहा कि यार हम आपको एडवांस दो दो महीने की सैलरियां दे रहे हैं, आप क्या करो इन टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करो जॉब ढूंढ लो, हमारी तरफ से गलती हुई है। तभी तो प्रोबेशन पीरियड में क्या करते हैं, टेस्टिंग पीरियड होता है कि देखो अगर इस टाइम पीरियड में अगर हम आपको समझ नहीं आते तो आप छोड़ दो, लेकिन नोटिस पीरियड जरूर देना, और उसमें एक महीने का नोटिस पीरियड देना। छोड़ना गलत नहीं है, जिस अंदाज में छोड़ के जा रहे हो गलत है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टीचर ने क्या किया, सैलरी आई, फौरन से बैंक से सारे पैसे निकाले, रिजाइन दे दिया विदाउट नोटिस पीरियड, छोड़ के चले। अब इंसान को ना बाद में पता चलता है, अब जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो रेफरेंस चेक करते हैं कि वो तेरा फीडबैक तो बंदा कैसे है। तो हमारे स्कूल वालों के पास आया, उन्होंने बोला ब्लंटली कह दिया कि भाई ये बंदा तो इस तरीके से हमारे साथ करते हुए, तो उसके वहां भी वांदे हो। गलत तो दोनों हो सकते हैं ना, फिर उसका जैसे आपकी बैड इंप्रेशंस, बैड रेपुटेशन का सबको पता चल सकता है क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है क्या, पैसे कितनी देती थी, सबसे ज्यादा पैसे देती थी, लेकिन ऑपरेशंस अनएथिकल थे। बात समझ आ रही, गोल्ड टीवी चैनल सबको हाई पेड सैलरी पे उठाया था, फिर इसके बाद जो टीवी एंकर्स थे, जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे, उनको साल साल तक की सैलरी नहीं दी, अब जाके उनको अब भी मिल रही है कुछ 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 सैलरी। तो हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है, तो हमें बोला जाता है कि भाई आपने काम करना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, यही बात है अगर बिजनेस में कोई चीज बंद हो रही है तो उससे बहुत से लोग फारिग होंगे, तो आप उनकी कंपनसेशन दें फिर आप करें। हो सकता है कि आपको सैलरी कम पे अपने पास रखना पड़े, लेकिन आप रखें। तो अगर ये पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि इसमें जजमेंट का पर्सनल एथिक्स में ना जजमेंट आ जाती है। अब जितना जिसका जहन उतनी उसकी जजमेंट, अब नैरो माइंडसेट और ब्रॉड माइंडसेट का बड़ा फर्क है हमारे यहाँ, एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा फर्क है हमारे यहाँ। इस मुल्क में मसला ही एक्सेप्टेबिलिटी का, कोई किसी की बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर इससे लिखा है एथिक्स इज डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। It is a set of moral standard for judging whether something is right or wrong. फिर फॉरेन से इसे कन्वर्ट करने के लिए कह दिया, the ethics of doing business are different from the ethics of normal social behavior. Business compete with each other and many decisions are taken for commercial cases. हमने भी कमर्शियल केसेस में काम करते हैं ना। Regardless of this effect, आपको मर्ज किया तभी तो कहा ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग दे देंगे, कोई ना कोई तो अनएथिकल ना हो जाए, और टीचर ने भी कंपनसेट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन विल क्लोज डाउन मेकिंग ऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर मेड रिडंडेंट। बात समझ आ रही, मिसकंडक्ट कैन टेक ऑन मेनी फॉर्म विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग डिसेप्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस का करना, या विद होल्डिंग important information from investor. कौन सी information जिससे decision making पे impact आ जाए? आपने बहुत दफा केसेस सुने होंगे कि यार गलत दवाई दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते थे या हाइड कर लेते, अभी बताएंगे तो मसला हो गया। तो ये चीजें नहीं। फिर इसके बाद बताया था बिजनेस है ना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल भी जी लगाएगा। तो जैसे बिजनेस का साइड इनकम है, अब वो यूजुअली अपने स्टेक होल्डर्स शेयर नहीं करते, तो ये आने की जरूरत है।
ऐसा होना चाहिए, उनकी बैलेंस शीट पे उनकी इन्वेस्टमेंट शो होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जिसमें करेगा वो उसका एसेट है, कैपिटल है, खत्म हो गई बात। रिकॉर्ड तो करना लाजमी है क्योंकि अकाउंटिंग आके पकड़ लेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप कह रहे हो लेट्स सपोज एआरटीटी ने ओजीटीसी के शेयर्स खरीद लिए, किसी को नहीं बताया, हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियल तो बनते हैं ना यहाँ के, हर चीज जबानी थोड़ी बोलनी होती है, लिखी भी है देख लो भाई। यहाँ से बिजनेस प्रॉफिट भी कमाते हैं और नॉन प्रॉफिट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे जेडीसी का हम देखते हैं, दस्तरखान देखते हैं, बड़ा अच्छा। सिलानी का देखते हैं हम, रमजानों में खजूर बांटते हैं, खाना बांटते हैं, इफ्तार बांटते हैं, बदतमीजी से बांट सकते हैं, नहीं बांटते। काम बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां भी एथिक्स कहते हैं कि इंसान के बच्चों की तरह काम करना, किसी को एडवांटेज नहीं लेना है आपने। बाद दफा आपके साथ छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे होते, ऐसा नहीं कि अबे तबे से आपने काम करवाया, इंसल्ट की, यार ये बेचारा गरीब है तो सुन लेगा 10 बातें, चंबे कराना शुरू कर दिए, या कोई ऐसा मिसकंडक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये गलत काम। फिर इसके बाद भाई ऐसे कौन से उसूल है जो अगर एक बंदा फॉलो करेगा तो वो मसलों में नहीं फंसेगा, वो उसे अनएथिकल नहीं कहेगा। ये वो मसला, ये वो उसूल है जिसको आप देखें। अच्छा, ये उसूल को हम कहते हैं प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स। आप कभी भी कोई चीज देखते होगे, कोई भी फॉर्म है, जिम गए, कहीं भी गए, तो पीछे लिखा होगा ना टर्म्स एंड कंडीशन, पढ़ते पढ़ते तो हैं, साइन करके दे देते हैं। आपने यहाँ पे फॉर्म को भी ऐसे किया होगा, ठीक है ना। फिर बाद में जब फी रिफंड करने की बारी आती है तो ये पढ़ा था मार्केटर से। जैसे मिसाल के तौर मैकडॉनल्ड ने एक दफा मार्केटिंग की, लॉस आउट हो गया। क्या मार्केटिंग की उन्होंने? पैम्फलेट बनाए रमजानों में, 150 का बर्गर, ये वो सब लिखा, 150 का बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, और नीचे लिखा और नीचे प्राइस थी कि 150 मौज गई वहां, नीचे छोटा सा लिखा था ईच। इस पे गालियां किसने सुनी? सेल्स पर्सन ने। बिजनेस ने अनएथिकल काम किया, एम्प्लॉय को अब्यूज सुननी पड़ी, एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो गया और कस्टमर की लॉयल्टी हिट हो गया। आपको पता है केएफसी हिट क्यों है? मैकडॉनल्ड से ज्यादा हिट है हमारे यहाँ लॉयल्टी के। केएफसी का बंदा नहीं जाता मैकडॉनल्ड, हिलाल उसको नहीं जाता। लेकिन हम दुनिया भर में मैकडॉनल्ड चलता है, केएफसी नहीं चलता, वहां लॉयल्टी है। पाकिस्तान साइकी है ना हमारी, हमारी साइकी है, केएफसी से मोहब्बत है, मैकडॉनल्ड से नहीं। मैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे मैकडॉनल्ड से, क्योंकि जब भी कुछ होता है पहले मैकडॉनल्ड तोड़ते हैं भाई, क्यों तोड़ो भाई, खा रहे हम, खा नहीं सकते तोड़ेंगे। तो भाई हमें ये सिखाया जाता है लॉ के, पहला उसूल लॉ के अगेंस्ट मत जाना, क्योंकि जो काम लॉ के अगेंस्ट है वो इलीगल भी और अनएथिकल भी। सिग्नल तोड़ दिया, मुझे जल्दी थी, कोई जल्दी नहीं मिली, उसूल पहले आता। ड्राइविंग करते हुए बात कर ली, ये चीज रिश्वत का दे दिया। मिसाल के तौर पे साथ है ना, साथ बड़ी लंबी मोटी लड़की वही है ना, नबी नबी ने कहा कि मेरे अबू है फाइनेंस मिनिस्टर, सही है, पापा टाइट है मेरा, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ऑडिट फर्म हूँ तो मैं फला बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता हूँ कि वो इस दफा अपना ऑडिट क्या कराए, मुझसे कराए। लेकिन ये रजिस्टर्ड ही नहीं था ऑडिट करने के लिए, लेकिन इन्फ्लुएंस करा के ले लिया, मना ही करना। देखो अगर मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूँ ना कि अनएथिकल इंसान करता क्यों, तो करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। जब वो किसी और के इंटरेस्ट से ज्यादा अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना शुरू कर दे तो वो एथिकल खत्म। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक रियल एस्टेट एजेंट को बोला कि यार मुझे फला जगह पे घर दे दे, मेरा रेंज ये। अब वो अपने लिए भी घर ढूंढ रहा था, उसने बोला यार बेहतरीन जगह मिल गई, ढूंढते ढूंढते, जैसे इसकी छोटी एग्जाम्पल है, अपन लड़के लोग मंडी नहीं जाते,
उसमें आपने को कोई पसंद आ जाती है तो आप उसको कटाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई यार तू छोड़, तू आगे तेरे को दिखाते हैं ये। तो ये वाला इम्पैक्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई, गलत। तो मार्केट शेयर भी होता है क्या मेरे भाई, मतलब जैसे आपके एक प्रोडक्ट है उसके शेयर ज्यादा मार्केट में अपनी है। मैं एग्जांपल समझा नहीं आपको, जैसे जब कोक और पेप्सी है दोनों ब्रांड है और दोनों मतलब जो प्रेफर की करते हैं कि चलो वो ब्रांड है तो दोनों में से कोई नहीं, तो उसमें एक कौन सा मेजर परसेंटेज लेके जाता है या परसेंटेज। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हो सकती है ना राइवलरी, लेकिन देखो कभी कोक और पेप्सी का वो फंडा नहीं हुआ, अनएथिकल कभी कोई नहीं किया। हमारे यहाँ पे ग्लैमर इतना बढ़ गया कि बिस्किट्स में भी आने लगा, तो हुकूमत ने बोला भाई बिस्किट बेच रहे हो क्या बेच रहे हो, ऐसे नाच नाच के तो कोई बिस्किट भी नहीं खाता जितना नाच के तुमने बिस्किट बेच दिया, मैंने तो काला खाना छोड़ दिया। मेरा भाई ये खा के कोई मैं कुछ कुछ ना हो जाए क्लास के बीच में, इसे दूर रखा मैंने। मैंने बोला नहीं इतना अनएथिकल था कि फैमिली के साथ आप बिस्किट का ऐड भी नहीं भेज सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐड बनते हैं इतने जैसे कि इंडिया वाले डेयरी मिल्क का ऐड बनाते हैं ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, वल्गैरिटी जरूरी थोड़ी है। अब बीएमडब्ल्यू वाला है या मर्सिडीज वाला है, उसने गाय को आगे रखा और पीछे से हेडलाइट ऑन की, वो आर पार हो गई और एक्सरे की तरह आ गया, मार्केटिंग नहीं है। अभी क्राइसिस आने से पहले लैम्बोर्गिनी की जो प्रोडक्शन थी वो 3 से 4 होती थी, आज 50 है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर एक चीज है कि भाई आपने अपने सप्लायर कस्टमर के साथ फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग करनी ही करनी है आप लोगों के साथ। और यार देखो अब बात सारी ये है कि एक चीज में हमारा फायदा तो है लेकिन आप लोगों का नुकसान। तो हमने क्या किया कि भाई बता दो इनको क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी चीज में नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे यार सॉरी यार अभी पॉसिबल नहीं। तो आपने ऑनेस्ट रहना है अपने एम्प्लॉयज के साथ, फेयरली का मतलब इक्वल ट्रीट करना। मैं फिर कह रहा हूँ एक बंदे से बॉन्डिंग हो जाती है। अब मैं अगर इससे बात कर रहा हूँ आफ्टर द क्लास और एक बैठक बन गई, चाहे लड़कों की बन जाती है आपस में, अब जाहिर सी बात है जो बैठक पे बैठेगा यारी दोस्ती तो उसी से होगी। अब बाकी कोई बंदा बैठ नहीं रहा तो आप थोड़ी जाओगे उसके पास भाई तू भी बैठ, आप बोल सकते हो। अब इस चीज को फेवरेटिज्म का नाम दे दें तो ये गलत है, लेकिन उसके उसमें इसे इंसान को भी देखना है कि कल अगर कोई गलती ये जो साथ बैठ रहे उनसे भी होती तो उनको भी सेम डांटे जैसे उनको डांट रहा, तो फिर भी आ गया। जी भाई जैसे कुछ बिजनेस में आपको कंफर्टेबल आपके खानदान वाला भी आ गया तो आपने उसमें स्पेशल अटेंशन या स्पेशल आपने उसको, वो तो आप अपने कस्टमर को भी देते चंदा। नहीं सर वो लेकिन फिर भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा डिस्काउंट तो कभी कभी देते अनएथिकल नहीं, अनएथिकल नहीं हो गए आपके लिए 200 रुपए कम कर देते, ये तो हर कोई बोलता है। अब एक बंदा होता है कस्टमर होता है नहीं जाने तेरे को घूमा में 750 बहस कर रहा होता मगर चिंता था यार इसका कोई जिगरी है ना। अब एक मिसाल है मोबाइल के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी डायरेक्ट मोबाइल देती है उनको, तो जो डिस्काउंट उनको मिलता है ना वो आपको मिल ही नहीं सकता भाई, कमाएगा क्या। अब आप बोले फेयर डीलिंग नहीं है, वी कैन नॉट ब्रश एवरी वॉल विद द सेम, वी कैन नॉट पेंट एवरी वॉल विद द सेम ब्रश, हर बंदे को एक तरह से ट्रीट ही नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पे जो मार्च बैच जो मुझसे पढ़ के गया वो अगर आज क्लास में एंटर होता तो मेरे लिए उसका एक बॉन्डिंग का लेवल अलग होगा, आप लोगों के लिए अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अलग हो वो अलग है, एक डिफरेंस आ गया ना, एक टाइम जोन था वो पुराने थे जब मैं नया नया आया था, एक्सेप्टेबिलिटी उन्होंने दी थी, आपने मुझे रिफाइंड फॉर्म में देखा है, उनके दौर में रिफाइंड हुआ था,
तो ये चीजें भी तो होती हैं दोस्त, तभी तो कहते हैं लॉयल कस्टमर। अपन हजाम के पास जाते हैं, वो जिगरी होता है, एक ही होता है ना वो, आप उसको कुछ भी नहीं बोलो तो वो आपको हाँ धनी देखता, वो किसी को कटा के आपको बिठा देता है। क्यों? मुझे पता है भाई ये बात में इतनी गाली ऐसे देनी उतनी किसी ने भी नहीं देनी। भाई ये रिलेशन बनता है ना कस्टमर और सप्लायर का, तो इसी तरह से बनता है, ये अनएथिकल नहीं है। हाँ आप बार दफा कस्टमर बैठा है, डील हो रहा है और उसमें आप अगर आके उसी की सर्विस को आप ले रहे हो, या देखो प्रायोरिटी का देना इट्स समथिंग एल्स, बट व्हेन इट्स कम टू डिलीवरिंग अ सर्विस उसमें एक ही होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे 1000 रुपए में जो सर्विस मिलती है वो तुम्हें भी मिलेगी और जो पुराना बंदा है उसे भी मिलेगी, लेकिन उसको जो सर्विस करने का अंदाज होगा वो डिफरेंट होगा, वो अनएथिकल नहीं। बात समझ आ रही है? जैसे आप अभी स्टूडेंट है, आपकी अभी टीचर से इतनी बॉन्डिंग नहीं हुई, अब आपको किसी चीज में डिस्काउंट चाहिए, हम क्या बोलेंगे? भाई मैनेजमेंट की पॉलिसी से चल लो जो डिस्काउंट है। लेकिन एक पुराना स्टूडेंट आ जाता है, वो कहते हैं कि दादा मैं कुछ करता हूं। अब वो क्या है, एक तो डिस्काउंट जो सबको मिलना था मिल गया ना, अब उसके बाद तो मेरा पर्सनल स्टांस है कि मैं उसको किस तरह से डील करवाता हूं। तो वो तो भाई तभी तो रिलेशनशिप में तो बिजनेसेस बनते हैं, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना प्रोडक्ट से। पर्ची कराना कभी भी गलत नहीं है, रेफरेंस मुझे बताओ, कहीं भी खाना खाने जाकर फीडबैक नहीं लेते, वो गलत नहीं है। गलत कैसे हो भाई? आप कहीं भी काम करने से पहले पूछते तो हो ना, भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ फला बंदे का तो रिव्यू तो दो। अब वो अपने यहाँ शादियां होती हैं, लड़की की कम वो पता लगाया जाता है, लड़की का पता लगाया, ये कोई अनएथिकल थोड़ी है भाई, एथिकल ही है ना। अब इसको अनएथिकल का इम्पैक्ट लगा दे तो भाई तुम्हारी सोच खराब है। तो ये भाई ये सारी चीजें जो कि आपको देखनी पड़ती हैं, और एंड में इन सब बातों को मिसाल के तौर पे जिम्बाब्वे सीरिया है, अब वहां पर बड़ी गुर्बत है। अब वहां पर हमने कहा कि यार वहां के छोटे बच्चे भी काम तो कर सकते हैं ना, मैं उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, बच्चों से काम करा दे। तो ये चीजें ख्याल रखना। आपके मैं क्या कहूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट एथिकल इशू आइडेंटिफाई बाय एम्प्लॉय एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन मस्ट चूज वेदर टू एडवांस हिज और हर ओन पर्सनल इंटरेस्ट और दोज ऑफ अदर्स। इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक बाय इनसाइडर हु पजेस मटीरियल दैट इज स्टिल नॉट पब्लिक। अब यहाँ पर एक पढ़ने वाला बच्चे बोल सकते हैं सर कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स उनके पास है ना दवाई मेडिकल में जाने से पहले टेस्ट के लिए आती है। कभी देखा है वही मेडिकल वाला बंदा आता है, सर ये नया प्रोडक्ट आया जरा, अब वो एथिकल नहीं होगा क्या बताओ? एथिकल होगा अनएथिकल होगा? किसी बंदे पे टेस्ट होगा ना। अब जब डॉक्टर इस तरह का काम करता है ना, इन्फॉर्म्ड हो तो अनएथिकल। बार दफा आपने देखा होगा सामने वाली ही मेडिकल स्टोर से दवाई मिलेगी, डॉक्टर्स बोलते हैं खांचा होता है ना कि बाहर मेडिकल है वहीं से दवाई मिलेगी। बहुत से डॉक्टर्स यही काम करते हैं कि टाइम मेडिकल से लेना, क्यों लेना? टाइम मेडिकल कमीशन देता है भाई, ये गलत। आप बोल दो भाई कहीं से भी ले लो, आपका क्या है? हाँ अगर नहीं है तो एक अलग बात है, या आप कहो कि भाई मेरे ये पर्ची साहब को डिस्काउंट मिल जाएगा, या अगर मार्केट में शॉर्ट होगी तो वो भी मिल जाएगी आपको, तो एक अलग चीज। अब मिसाल के तौर पे जो नींद की गोलियां होती है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स खाते हैं, सुकून की दवाइयां जो खाते हैं, वो अनएथिकल है, ऐसे नहीं मिल सकती प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। लेकिन जान पहचान होती है, पता है यार इसकी अम्मी खाती है, इसके अबू खाता है, यानी कि अनएथिकल थोड़ी है। डील करने का तरीका इज समथिंग एल्स और सर्विस देना इज समथिंग एल्स। सर्विस मस्ट बी इक्वल,
Now, how I am dealing with the person to whom I am giving the service is something else. मिसाल के तौर पे तूने बोल दिया सर शाजे में ना ये चीजें पढ़ के ना पढ़ाते हैं. जैसे एक दफा क्या हुआ कि ना किसी को पता चला कि मैं किस तरीके से देख के पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में. तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, तेरे को पता चल गया. तो मैं कोई एक जगह से देख के थोड़ी करता हूँ, पूछता तो मेरे से डायरेक्ट पूछता भाई कि कहाँ से देख के पढ़ाऊंगा, कोई सीक्रेट थोड़ी है. अब कल हम इसी बात पे बहस कर रहे हैं भाई, एक चीज एक अंदाज में थोड़ी है कहने का. अब मैं यही चैप्टर नीचे पढ़ा के आया वहां पर मैंने, क्योंकि वहां के जो बच्चे थे उनके साथ एक अलग, उनके साथ तफरीक करना जरूरी है समझाने के लिए. आपके साथ तफरीक करना जरूरी नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल बैच है, आप फास्ट है, आप सोच के यार पढ़ना है. अब आप बोलो हमसे तो तफरीक नहीं करते आप भाई, नहीं कर सकते भाई, पढ़ाना है. एग्जाम्स के दिन करीब आ रहे हैं, एंड एंड मोमेंट पे आए हो, अब भी तफरीक मांग रहे हो. हाँ, फिर भी बनाने का अंदाज जो चैप्टर को है वो इस तरह से हम कह देते कि यार कोई बात नहीं, लाइटर बोर्ड पे काम करते. सर आपने हमारी क्लासेस डेली रख दिया, रोज सुबह आना पड़ता है, और वो देखो कितने मजे में हफ्ते में 3 दिन आते. चले जा भाई तू भी दिसंबर बैच में, हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर, मिल मसला ही नहीं. पब्लिक कंपनी में मेरा बच्चा इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई, बात समझ आ रही. वैक्सीन्स वन ऑफ द मेजर एग्जांपल यार आजकल अपन की. जब तक बताया नहीं कि कितने लोगों ने लगवा ली है तब तक आगे थोड़ी बढ़ी थी, और लगवाने के बाद भी वेट हो रहा था 45 दिन का, 30 दिन का, 15 दिन का इम्पैक्ट देखा जाता था और बताया जाता था भाई ये साइनोवैक लगाने से ये हो रहा है, साइनोफार्म लगाने से ये हो रहा है, फिर वो बूस्टर डोज से ये हो रहा है. बात हो गई ना. ना करना खराब होता है, लोग मर रहे होते. जैसे मिसाल के तौर पर पाक वील करके एक वैक्सीन आई थी, पाक वैक एक्सेप्टेबल ही नहीं थी कहीं, तो जिन्होंने लगवाई उनको बोला भाई तुम्हारी वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरी लगा. नहीं बताना जरूरी था, नहीं बताता लोग ने, हमने लगा ली वैक्सीन. बूस्टर डोज लग रहे थे, वो एक बड़ा वाला डोज है जो एक इंजेक्शन लगता था, वो क्या नाम था उसका यार, दो डोज लगते थे एक ही बार में लगा. नहीं दो डोज लगने वाले अलग होते थे, एक वैक्सीन है. नहीं नहीं वो लगाने से पहले ना बोल दिया जाता था भाई 15 दिन बुखार रहेगा, दर्द होगा, हो सकता है सूजन हो जाए, बता दिया. अगर नहीं बताते तो, और फिर होता है भाई हार्ट पेशेंट वाले बंदे ये ना लगाएं, जो छोटे बच्चे हैं वो ना लगाएं. चीजें आहिस्ते आहिस्ते ठीक है भाई. मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात मान रहा है, या उसकी ये बात, ये भी मतलब नहीं है कि वो जो बोल रहा है हम ओके, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग सजेशन, हम ठीक है सर. अब आपने देखा होगा कुलाची, वहां लोग स्टेक खाते हैं, फिर वो पूछते सर कैसा लगा, नहीं यार मजा नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं. क्या उस मैनेजर को नहीं पता इस भूतनी ने कभी स्टेक को देखा नहीं है, गरीब आज मुफ्ता तोड़ने आया है स्टेक, और ये मुझे आके शक्ल से नहीं पता चलता था कि भाई बंदे. देखो पैसा आना और पैसे को कैरी करना बहुत फर्क है. हर आईफोन रखने वाला ब्रांडेड नहीं है, हर अच्छे कपड़े पहनने वाला. देखो बाज लोगों की पर्सनालिटी ऐसी कोई बेहतरीन होती है, वो जैसे शलवार क्या आया उसको ब्रांड में लगा होना जरूरी नहीं है, कैरी करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी नो कि ही इज लाइंग, बट द वे वी आर ट्रीटिंग, वी आर नॉट ट्रीटिंग हिम, वी आर ट्रीटिंग अदर्स. क्या हमें भी पता है ऐसा झूठ बोल रहे, लेकिन इससे फिर भी सर को ट्रीट किया. बात समझ आ रही.
पेरेंट्स से बच्चे से गलती हो बेटा कोई बात नहीं, अभी अनएथिकल है एथिकल है, डांटना तो जरूरी था। बोला यार आज अगर डांट दिया ना कल को ये मुझे बताएगा भी नहीं, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एटलीस्ट गलती करके बता दो तो है, ये तो ट्रस्ट है उसे। ये चीज ऐसा नहीं कि देखो हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं खुद काम करना शुरू कर दूं और उसे चमाटे करा, मैं खुद सजा मैं क्या राइट रखता हूँ? अगर किसी ने चोरी की है आप उसको पुलिस के हवाले करो, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तभी तो पब्लिक मारती है चोरों को कुत्तों की तरह, जरा देती है अल्लाह माफ करो। अगर आज हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए तो आप पुलिस पकड़ के नहीं जाएगी, पता है पुलिस वाले ही भेजते हैं इनको, और उस टाइम पे चौकी पे कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं ना मोबाइल स्नैचिंग होती है, वैसे मोबाइल में गश्त कर रही होगी, उस टाइम पे होगी नहीं, और 15-20 मिनट बाद वापस वहां आएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आप मेरे ट्रेड सीक्रेट किसी को बता के मुझे कंप्लीट कर सको, पिज्जा हट की इंग्रेडिएंट्स आप में किसी को शेयर कर दी, बात समझ आ रही? आगे बढ़े दोस्त, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जॉब नहीं लो छोड़ दो, फिर ले ट्रेनिंग के अंदर आप इसलिए आप दूसरी कंपनी में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो कहते हैं यार पढ़ा लिखा बंदा है, क्वालिफाई भी है, ऑडिटर भी है, चल यार अपने पास आ जाएगा, 25-30 हज़ार रुपए ज्यादा रख देंगे इसके, ये भी कुछ हमारा भी काम होता रहेगा। दिस इज अनएथिकल। फर्स्ट वी हैव टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट फर्म दैट वी वांट टू हायर दिस पर्सन, इफ यू अलाउ अस सो वी कैन कम्युनिकेट दिस मैसेज टू यू। नहीं छोड़ लेकिन बंदे भी तो है ना, कोई छोड़ा छोड़े बंदा छोड़ना चाहे तो कौन रोक सकता। अब हमारे पास वो सिचुएशन है जिसको देख भाई ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है, अच्छा जी वो सिचुएशन जिनमें अगर एक बंदा इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे यार ये अनएथिकल काम है, एक ऐसी चीज जो आपकी है नहीं आप अपना बता रहे। मिसाल के तौर पे आप किराए के घर पे रह रहे हैं, या बात तो होता है ना इंप्रेशन जमाने के लिए लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते गलत वाइब्स क्रिएट करते हैं, थोड़े टाइम के लिए प्रिटेंड करते हैं कि आप उन लोगों में उठते बैठते हैं, इसका मतलब वैसे तो पता चले जो प्रिटेंडिंग होगा ना वो दो मिनट में समझ आ जाएगा कि यार इसने असल सारा सब चीजें ला सकते हो उसको कैरी नहीं ला सकते यार, कैरी करना बर्गर को बर्गर क्यों बोलते हैं क्योंकि वो क्या ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, नहीं भाई वो खुद को जो कैरी करते तब वो बर्गर, ठीक है ना भाई। तो कहने का मकसद यही है कि भाई चीजों को देख के काम करना पड़ता है, तो भाई टेकिंग थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू, आपने वो चीज ले ली जो आपकी नहीं है, किसी का चोरी छुपे मोबाइल ले लिया, पेन ले लिया, किसी की चीज को अपना बता दिया कि यार ये तो मेरी है ताकि इंप्रेशन पड़े। फिर जैसे मिसाल एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कंपनी में हायरिंग कर रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है सारा पैसे भरी आईटी कंपनी बड़ी अच्छी, उसने कहा कि भाई मैं तो वहां काम करता रहा हूँ और मैं वहीं से आया, मतलब अच्छा ऐसी बात है, फर्म में भी रहा, फर्म के बाद इंडस्ट्री में भी रहा, फिर आईटी सेक्टर में भी हो, तो एक दोस्तियां हो जाती है सबसे, तो म्यूचुअल का मैंने बोला यार दादा तेरी कंपनी, वो वहां का जो मैनेजर था
मैं कहा यार तेरे पास कोई इस तरह का बंदा आया? तो उसने बोला यार मैं देख के बताता हूँ, देखो शाम तक जा रहा था। ठीक है, तो उसका वहाँ का जो डायरेक्टर था मैंने उसको भी मैसेज किया, मैंने बोला यार सर ऐसा है कि उनका मेरे भाई से ताल्लुक है, मेरा मैनेजर से, तो मैंने बोला सर ऐसा करके बंदा आपके पास है जरा चेक करो आपके डिपार्टमेंट का नाम ले, ज्यादा फिक्र नहीं करो अभी जवाब दे, मीटिंग वीटिंग से सारे को उसका बोला भाई ऐसा कोई बंदा हमारे पास नहीं। अब ये क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है ना, आप किसी का भी नाम ले लो कि मैं वहां था, बोला ये आया जरूर है लेकिन हमने रखा नहीं, तो अपॉइंटमेंट लेटर और रेजिग्नेशन लेटर यार वो तो जाली बनता है, जाने वो तो जाली बन जाता है, लेकिन उस टाइम पे इंटरव्यू पे अपने आप को प्रेजेंट करना वो तो बाद में पता चलेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा मैं बोल रहा हूँ कि यार इस डेजिग्नेशन का इंटरव्यू, अब उसको कुछ आ नहीं रहा और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में इस जैसे बंदे नहीं रखते, ऐसा क्या तुरंत खाने वाला काम किया तो तुम्हें कि तू अचानक से माला किया, वो अलग अलग बात है, समझ गए होंगे आप। फिर हम कहते हैं सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू, जो हम बिचारियों के साथ बोलते हैं जो ठीक नहीं है जो सच नहीं है, लारे करते देते हैं, ठीक है चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, चना चाट लिया तो बहुत बड़ी बात है, जिस तरह की महंगाई है तो पेट्रोल ही बर्दाश्त कर ले एक लीटर, ठीक है ना, तो ये हरकत नहीं कर भाई, जो सच है वो सच है, तो बोल झूठ क्यों बोल रहा है। तो भाई यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाते हैं, बाज दफा किसी पे तोहमत लगा दी, जो बंदा काम में इन्वॉल्व नहीं है उसको बता दिया भाई ये तो ये हरकतें करता है, ताकि दो बंदों को काम दिया बोले मैंने ही किया ये सारा काम, क्रेडिट लेके गया। फॉल्स इंप्रेशन देना कि मेरा रवैया इस अंदाज का है कि मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कह कुछ और रहा हूं, मेरे एक्शंस कुछ और है, मैं कहता हूं कि यार मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रहा लेकिन मैं एक ही बंदे को टारगेट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो ये चीज गलत है। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि लेट सपोज यार हमारी पैकिंग दिखाई अच्छी पैकिंग होती है, ये प्रोडक्ट अच्छी वो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर एक दफा क्या हुआ कि हमने ना इंस्टा पे पेज सर्च कर रहे थे तो एक पेज देखा जिसमें है ना बोला कि भाई 3,500 रुपए के अंदर जूते भी जीन्स भी और टी शर्ट भी मैचिंग, टाइट है, मैंने ऑर्डर कर दिया, वो जूते है तो पीटी शूज थे और वो ट्राउजर थी कोई इतनी चिपकी हुई ट्राउजर कैपरी लग रहा था, मैं कैपरी पहनी टाइट्स नहीं होती खातिन की वो। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा ये क्या, बोला आपका ऑर्डर आया है कि नहीं आया हमें नहीं पता, तो भाई ऑनलाइन का हमारा ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर वेंडर्स चेंज होते हैं। इसने बोला कि भाई जैनब मार्केट से कोई दुकान वगैरह जानने वाला है, तेरी प्रोडक्ट की तस्वीर अच्छी सी खींचता हूँ और मैं दे देता हूँ, ये होता रहता है ना, यही होता है, जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी बता रहे बताओ, कोई मसला नहीं है क्योंकि आपने परमिशन ली है, लेकिन आप ये ना करो जो बता रहे हो वही दो। अब जिस चीज में पैकिंग आनी चाहिए उसी चीज में पैकिंग अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, बोगो वाले वाउच वाउचर 360 है, वाउच 365 ना, 4,000 रुपए की बुक है जिसको प्रमोट करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें भाई। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, मैंने कोई चीज को इन्फ्लुएंस करके बाय कर लिया, मिसाल के तौर पे वही अभी बात कि फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, उसने क्या किया भाई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्योंकि भाई इसकी बहुत पहुंच थी, रेफरेंस बहुत थे, लेकिन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया वो केपेबल नहीं था, उस पर कोई केस चल रहा था, चलो केस ना भी चल रहा तो भी अनैतिक है, आपको सिर्फ ये बोलना चाहिए कि यार आप कंसिडर कर लेना, तो आप क्या कहते हैं यार ये अपना बंदा बोल रहा है जरा देख लिया जाए, लेकिन इसके बाद उसकी चॉइस पे कि वो रखे ना रखे, अब आप साथ में बोला जानी देख ले और नहीं देखा तो फिर मैं देख लूंगा, तो ये तो आप कड़ी दे रहे हो ना मोहब्बत में, तो ये तो ना दो। जैसे दोस्तों को बोलते हैं दादा देख ले तू, फिर तुम पता है यार दादा ने देख ही लेना है, तो थोड़ा सा दोस्ती आ रही है, क्या होता है हम बोलते हैं अच्छा ठीक है तू नहीं आ अब नहीं कहूंगा, अब वो बोलता है यार ये अब नहीं कहूंगा ना कहता ना तो शायद मामला देखता, इमोशनली हम क्या कर देते हैं इन्फ्लुएंस, तो भाई ये चीजें होती हैं
दोस्ती यारी में तो ये अनएथिकल नहीं है, दोस्ती यारी में तो चलता रहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ना तो ये थोड़ा सा देखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब मिसाल के तौर पे कोई दवाई हमारे यहाँ पर ऐसा होता है नॉर्मली कि हमारे यहाँ पर है ना स्टीरॉइड्स वगैरह बड़े रिस्ट्रिक्टेड मिलते हैं, तो हमारे लड़के लगाते हैं बॉडी बिल्डिंग में। अब बॉडी बिल्डिंग में होता यह है कि जब स्टीरॉइड लगाते हैं ना, सिर्फ स्टीरॉइड लगानी होता है, उसको वॉश भी करना होता है। स्टीरॉइड को वॉश करते हैं, उसका एक वॉशिंग पीरियड चलता है। अब वो वॉशिंग पीरियड का बहुत कम लोगों को पता है। अब उस वॉशिंग पीरियड में बहुत ज्यादा आपको डाइट पे कंट्रोल, फिर दवाइयों पे बड़ा कंट्रोल, क्योंकि फिर इसमें आपका एक प्रोसेस चलता है पिंपल्स का ना होना, सारे सारा एक प्रोसेस चलता है। अब बात सारी है कि मैंने किसी को ये ट्रेनर्स को पता थोड़ी होता है, हमारे यहाँ तो आते अनपढ़ ट्रेनर है, ये लगा लिया। जैसे मिसाल के तौर पर एक ट्रेनर ने ना एक फैट बर्नर की गोली आई थी एनिमल कट करके, उसका एक डब्बा है बड़ा जबरदस्त डब्बा, वो एक पैकेट में 12 गोलियां होती है एक पैकेट में, और वो एक साथ लेनी होती है, लेकिन वो कराची और पाकिस्तान जैसे शहर के लिए नहीं है, वो है ठंडे तरीन एरिया के लिए कि जहां पर असर ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड में भी लोग ऑलिव ऑयल नहीं पीते, लेकिन बाहर कनाडा वगैरह में देखो तो वो ऑलिव ऑयल को ड्रिंक करते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम हीटअप रहे, क्योंकि वहां इतनी ठंड है कि जितनी भी लेयर्स आप पहन लो ना तो वो इम्पैक्ट नहीं करता, और हमारे यहाँ इतनी ठंड होती नहीं है। तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि आप गर्म अजवाइन खाओ, लेकिन इतना नहीं कि आपका डाइजेशन सिस्टम पे खराब ना हो जाए ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का देना बड़ा जरूरी है। अब हमारे पास दुकानों पे दवाइयां होती हैं, बिना पूछे किसी को खिला दिया, अब हुआ ये कि उसका किडनी पे इम्पैक्ट आने लगा। अब जाहिर सी बात है उसको क्या पता था किडनी, उसने बोला भाई कोई कुछ नहीं होता, ये तो तेरा फैट बर्न हो रहा है। बाद में कहते दर्द वर्द का मतलब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। आगे बढ़ लेते, टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। आपका ताल्लुक है टीचर से, आपने बोला यार थोड़ा सर देख लेना आज पढ़ के नहीं आया, थोड़ा टेस्ट में हल्का ये गलत, या आपने कहा कि यार जानी जरा देख लेना। आप जो बात करें ना कस्टमर की, जी हाँ, कि एक चीज जो हो नहीं सकती, अब आपने उसका एडवांटेज उठाया, जैसे मिसाल के तौर पे उधार ही नहीं देते आप, लेकिन आपका ताल्लुक है, आपने उसको मना मनू के, अब जाहिर सी बात है एक बंदा इतना पीछे लगेगा तो बंदा बोलेगा यार चल यार गलत, आपने कोई चीज ऐसे ले ली जो उस रेट पे आती नहीं थी, ये गलत। अब यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ आने से गलत, एक चीज इतने की है उसको कम करते हुए कितना कम कर लोगे, नॉर्मल कम करोगे, ऐसे तो नहीं 1000 की चीज को आप 300 रुपए में देना शुरू कर दो क्योंकि ताल्लुक बहुत अच्छा है, ये नहीं। थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि बाद में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर पेपर पड़े हुए, पेन पड़ी हुई है, वाईफाई है, शॉर्ट गायब हो जाती है चीजें, पेन पे पेन गायब हो रही है। अब हुआ ये कि भाई हमारे हम काम करते थे तो जाहिर सी बात है फोटोकॉपी मशीन हमारे यहाँ बड़ी बेहतरीन होती थी फॉर्म में, तो लड़के क्या करते थे पूरी पूरी पीडीएफ बुक 600 पेज 700 पेज की डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेते। क्या मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ने, तो फिर बंदे पे रिस्ट्रिक्ट करा गया कि भाई एक बंदा मैक्सिमम, हमें फर्म को पता है ना एक बंदा कितनी फोटोकॉपी निकालेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड है किसके पीसी से आई है, क्या हुआ, ये सारी चीजें फिर पकड़ी जाना शुरू की। तो कभी कोई गलत करता है तभी तो चीजों को तेल में रखा जाता है, वरना क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उसको देखी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर इम्पर्सनल बिहेवियर, कमेंटिंग इम्प्रॉपर बिहेवियर का मतलब क्या यार, किसी से आपने परफॉर्मेंस पे क्या किया, सही परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने मिसबिहेव कर दिया, ये सारी चीजें हमारे इसका पार्ट है। आई वुड लाइक टू हाँ, अब जस्टिफिकेशन हर बात भाई सिंपल सी बात है यार, अगर किसी ताल्लुक के अंदर जस्टिफिकेशन आ जाए ना उस ताल्लुक को आग लगा के फेंक दो। पहली बात आप झूठ नहीं बोलो, पहला तो आपका फर्ज है, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो सामने, देखो ना सिंपल सी बात है, अगर आप झूठ नहीं बोलते होगे ना तो इवेंचुअली
आपके बोलने से और आपकी चीज आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, और सामने वाला बहुत बड़ा झूठा होगा ना, तो उसको यकीन आने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन का बड़ा प्रोसेस होता है, तो थोड़े से ये प्रोसेस को हम कम किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि जरा ये आप सारे पॉइंट्स खुद से रीड करें एक दफा, कोई ऐसी बात तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो हम चीजों को वाइंड अप करेंगे। अभी वाइंड अप तो फौरन नहीं करेंगे, करना गलत बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, एक दूसरे आस्पेक्ट की बात कर रहा था। आप सीरियस क्यों हो जाते हो भाई? नहीं नहीं, वो कौन सा कॉमर्स का पूछ रहा है, वो तफरी कर रहा है। नहीं, जो भी बैकग्राउंड का है, तो ये तो तफरी के आस्पेक्ट का पूछ रहा है, इतना सीरियस नहीं होकर जेठालाल। उससे पहले कुछ काम कर लेंगे, लेकिन यार नहीं करवा, सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। मुझे सारा मसला ये कि वो छोटे बच्चे हैं और आप लोग सेम एक अलग वो मित्र बनी हुई, मसला सिर्फ आपको आएगा वहां जब मैं लंबी करूंगा ना, तो यहाँ पर आज क्या लंबी होगी तो आप वो चैप्टर कराऊंगा जो कि नहीं पढ़ा हमने, वो मैं आपको नए तरीके से पढ़ाऊंगा, तो वो करेंगे जो कि अनकॉमन, तो अगर ये एक दो दिन में होता है तो अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद जरा प्लीज इसे अपने हिसाब से लिंक करें, कुछ सवालों को पेश करें। तो
वेनेसडे को मैम डिसाइड कर चेंज नहीं हो गया पीडीएफ
सबकी रेटी निकल जाएगा कौन सी बात है सर क्या हो तो उनके तो अब ऐसा है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए नाइन पढ़ाएंगे बहुत पॉइंट रहते हैं लाना नहीं थोड़े से अच्छा जी बात सब ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो गवर्नमेंट इदारों में जो काम करते हैं ना वो क्या करते हैं को पता है मेरा बाप कौन है ये कि आप एक ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका ब्रांड बहुत बड़ा है तो आप उस ब्रांडिंग का अनएथिकली फायदा उठा रहे हो कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट से काफी रिसेंबल किया जा सकता है कि किसी भी इदारे में आपका बंदा लगा आपने बोला यार दादा 18 ग्रेड के अब्बा है ठीक है सॉरी तो भाई ये वाला आपका पैराग्राफ उससे काफी रिलेट कर कि आपने क्या किया अपने मफाद सब में अगर आप देखो तो आप अपने इंटरेस्ट पे पहले बात कर रहे हो बाद में दूसरे को फिर इसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास क्या है वायलेटिंग का रूल्स ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर आपने रूल्स ब्रेक करते हो इसका मतलब एथिकल काम करते हो बाद में ऐसा होता है कि आपने बोगसली किसी का साइन कर लिया कि यार छोड़ना क्या फर्क पड़ता है और आपने पेमेंट निकलवा ली कि मैं उसकी साइन तो कर सकता हूँ अब आप ऑथराइज नहीं है लेकिन आपने कहा यार कोई मसला नहीं मैं कर देता हूँ और पेमेंट आके बढ़ा देता हूँ जैसे कंपनीज में होता है स्लैब वाइज एक्सपेंस करने होते हैं उसमें क्या होता है भाई मैनेजर लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल है सीनियर मैनेजर लेवल है तो यार उनको तो पता है मेरा साइन कर दिया और आगे बढ़ा दिया ये गलत है और तो आपका रिलेशन उससे जितना भी अच्छा हो लेकिन आपने ये काम नहीं करना ठीक है जैसे एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा ताल्लुक है एक टीचर से उसने मेरे बिहार पे आके सबको एक बात बोल दी तो जब तक मेरे से ना बात हो तब तक कोई से एडमिट नहीं करनी चाहिए फिर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम मिसयूज करना क्या घर पे बत्ती नहीं आप बोलो मैं बैठा रहूंगा टाइम खींचता रहूंगा ठीक है ना जैसे इंटरनेट घर पे नहीं है टॉरेंट पे डाउनलोड पे लगा दी कोई भी चीज आपने लगा घर पे देखूंगा आराम से तो डाउनलोड पे लगा दो इंटरनेट स्पीड बड़ी अच्छी है ये नहीं और अगर आप इनमें से किसी चीज में इन्वॉल्व हो भी गए तो आपके पास दो टेस्ट है एक मिरर एक कॉन्सिक्वेंस जो मैं आपको बता चुका हूँ बातों बात क्या आपने सबसे पहले कोई चीज देखनी है क्या वो लीगल था कि इलीगल था इलीगल था तो बात ही खत्म हो जाती है अनएथिकल पे तो आना ही दूर की बात लेकिन इलीगल था लेकिन अनएथिकल था तो आपसे पूछोगे भाई ये करना जरूरी था कि नहीं था जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का लीक करना इलीगल लेकिन बास ऐसे मकामात आ जाते हैं कि जहां कंपनी मिसकंडक्ट कर रही होती है कोई गैर कानूनी काम कर रही होती है अब उसका इन्फॉर्म करना एथिकल ये चीज और बाद में आपसे पूछा जाएगा आप गिल्टी ना हो जिस चीज पे आप गिल्टी नहीं हो इसका मतलब वो अनएथिकल नहीं है लेकिन आप इतने डीड भी ना हो क्या बोले हाँ ये भी वो कहते हैं ना दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है जो भी काम करो ना आपका दिल गवाही देता है कि यार पढ़ाई अच्छी की नहीं किया था बहुत पढ़ा फिर भी फेल हो गया तूने कुछ नहीं पढ़ा था तू पढ़ता हुआ दिखता था लेकिन पढ़ता कुछ नहीं था तो हमारे यहाँ जितने भी सीएम लड़के फेल होते हैं ना वो जो करते हैं ना एक मिनट कि हमने बहुत पढ़ा था लेकिन क्या था हमने कुछ नहीं पढ़ा सही है भाई तो आप अपने आप से पूछो कि वाकई जो मेहनत होनी चाहिए थी
क्या वो मैं आप दोस्तों में भी जा रहे हो, आप तफरियां भी कर रहे हो, आप क्लासेस भी बंक कर रहे हो, भाई यूनिवर्सिटी आया है क्या? असल में होता यह है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि कैंपस लाइफ मिलेगी सीए में, सस्ते में कैंपस लाइफ मिलेगी। ना बाबा, ये मिलेगा और फिर मजा आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक्स थोड़ी है हमारे यहाँ। यहाँ मेरे हाथ में पेपर बनाना थोड़ी के थोड़ा किया और मैंने पास कर दिया। ना बाबा, यही चीज यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूँ, लड़के नॉन सीरियस होते हैं, फिर आखिर में दोस्ती यारी कर रहे होते हैं, निकल रहे ये मुस्कान की चमकान कहीं और। तो यहाँ पर नहीं, लौंडे सकते हैं बिगड़ेंगे नहीं। तो भाई ये चीजें आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने कॉन्सिक्वेंसेस की तो अभी बात ही की थी, क्या अगर आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, लेकिन लॉस हुआ है जो कि इनविजिबल आपको दिख नहीं रहा, वो एक हाइप क्रिएट कर रहा है, और वो हाइप क्रिएट करना आपको नहीं पता चलता वो कितना बड़ा लॉस हो चुका है, वो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर दिया कि लोगों ने अब उसको मिस इंटरप्रेट करना लार्ज अमाउंट में शुरू कर दिया। यार पैसों का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर सीए में ना, अल्लाह माफ करे, बच्चा फेल होता ना, बोलता है यार कितना नुकसान हुआ 6000 रुपए का, एसीसी में फेल हुआ कितने का, बंदा बोलता है यार वापस दे देंगे अटेम्प्ट। मॉनिटरी इतना बड़ा लॉस थोड़ी है, लेकिन अटेम्प्ट भी तो जा रही है, चीजें भी तो वेस्ट हो रही है। तो बात होता है अगर मॉनिटरी लॉस इतना बड़ा नहीं भी हुआ, जैसे ओवर स्पीडिंग करने से आपको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ओवर स्पीडिंग करना थोड़ी ठीक है यार। आप बोलो मैंने किसी को धोखा थोड़ी है, मैं तो भगा रहा था गाड़ी, मैंने तो किसी को भी नहीं मारा, देखो सब सेट है, चांसेस ऑफ लॉस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो प्लीज इसे रीड कर। आपसे एक गलती हो गई, ठीक है, अब आपने बोला एग्जांपल, आपने बोला यार सर आप तफरिया ज्यादा करते हैं, आपको है ना इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, आप दूसरी एग्जाम्पल दिया करें, ये नहीं किया करें, वो नहीं किया करें, बहुत अच्छा पॉइंट, लेकिन क्या ये अंदाज सही था? अब आप अपने आप से पूछेंगे। और अगर आपका दिल कहेगा कि नहीं यार अंदाज में थोड़ा मसला था, आई शुड हैव सेड बट इन अ रिस्पेक्टिव मैनर, तो ये चीज कहना एथिकल था, अंदाज गलत था। कहना कहने का राइट दिया है आपको, अंदाज का राइट समझना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक इस पेज को पढ़ें इतनी जल्दी, तो भाई वंडर वुमन एक कस्टमर लूज कर गया, एक ही तो किया है, डन भाई लोग क्या सोचेंगे, तो सारे लोगों का ठेका हमने नहीं लिया, हमने तीन लोगों का ठेका लिया, माँ बाप का, आपकी बाकी असली वाली बीवी का और आपके क्लोज फ्रेंड्स का। तो अगर इनको आपकी किसी हरकत पे डाउट नहीं है ना, तो आप दुनिया कुछ भी करें, मतलब दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट पीपल इन योर लाइफ, अगर इनको ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। समझ आ रही बात? अब मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के लोगों को है ना सीएसआर प्रोजेक्ट से ना फायदा पहुंचा रही है, अपने एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी कर रही है, उन्हीं को फायदा नहीं पहुंचा रही, तो फायदा क्या?
आप दुनिया के साथ लाख हाजी साहब बने हुए, घर पे आप जेकान शिकरे हो, तो फर्क पड़ता है ना भाई। ये चीजें तो अब इसके बाद ये आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो, ये वही पैराग्राफ है सेवा यात्री वाले पॉइंट के जो आपने अभी पेज नंबर 2 पे पढ़ा था। इसके जिसमें हमने 7 पॉइंट पढ़े थे ना कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट होना चाहिए, फेयरली ट्रीट, ये वाले पॉइंट चाहिए और थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की भी जिम्मेदारी है कि वो सोशली काम करे, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प आउट करे। ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपने फायदे के साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो कि यार कोई कोई ऐसा यतीम आया या कोई ऐसा बंदा आया जिसको मैंने फर्नीचर डोनेट कर दिया है, कोई भी ऐसी चीज कर दी, तो इसकी कॉस्ट तो है ना यार, ये डोनेशन एक्सपेंस में आपके चले जाएगा, कंसिडर होगा नहीं होगा क्या है वो एक अलग बहस है, लेकिन है तो सही ना आपका एक्सपेंस है। एक्सटर्नल ये बिल्कुल है भाई, जो लॉस किया है ना कभी कम कहते हैं कंपनसेट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, जितना बड़ा लॉस उतना कंपनसेशन। ठीक है ना, तो सही धीरे से बात कर रहे हैं कि आपने वो 5 बरस काटे और सीएसआर के नाम पे आपने 100 बरस के लिए काटे, तो ये तो सीएसआर नहीं कराया है, ये तो उसकी कंपनसेशन कराई है। सीएसआर है ना तभी तो इसे वो उसने उस सिचुएशन में कैसे इसने जरा काटे क्योंकि उसका बिजनेस था, तो ये काम करना सीएसआर नहीं है। सीएसआर नहीं है वो, पहले वो उगाए और फिर एक्स्ट्रा में लगवाए तो फिर वो सीएसआर। बिल्कुल, जैसे हम कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिकल बनाने से फ्यूम्स उड़ते हैं, कोई ऐसा चक्कर, जैसे जो लोग माइंस में काम करते हैं, ऐसी बात है माइंस में काम करना आसान नहीं है, तो उनकी हेल्थ इश्यू होता है, सांस में मसला आ जाता है, काफी इश्यूज आ जाते, स्किन डिजीज हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर क्या करनी पड़ती, प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, उनको इलाज करवाना पड़ता है, हेपेटाइटिस सी वगैरह का जो मसला है वो ना हो जाए, तो चीजें देखनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई कि ज्यादा फ्यूमिगेशन अगर फ्यूमिगेशन कर ज्यादा हमारे यहाँ पर जैसे नॉर्मल बारबेक्यू वाला भी है जो अपने पास वो बारबेक्यू वो ठिया लगाता है तो उसके साथ वो चिमनी क्यों लगाता है, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना, हालांकि धुआं को वो रोक भी सकता है लेकिन जिस अंदाज में उसको बाहर निकालेगा वो तो ख्याल किया जा सकता है ना। तो ये देखो ना सिंपल सी बात है, सीएसआर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि आप एक इंसान को जैसे सत्कार का कहा जाता है ना, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि आप सत्कार हो, किसी भी फॉर्म में दो, पैसे की फॉर्म में दो, सर्विस की फॉर्म में दो, गुड्स की फॉर्म में दो। ये काम करने से क्या होता है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, लोग इमोशनली अटैच होते हैं, प्रीमियम प्राइस देने को तैयार होते हैं, यार ये अपने प्रॉफिट का मेजॉरिटी हिस्सा कहाँ देते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट कभी भी ये नहीं होता। जी मेरा फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं जूते बेच दिए रोनाल्डो ने, ब्लड डोनेट कर दिया, आंखें डोनेट कर, सिटी और बार्सिलोना को बहुत कंपटीशन हो गया। और जो पहले से है जो सेलिंग भी जो उनके अफेक्ट जो भी हो सकता है कस्टमर ये ज्यादा मतलब इमोशनली करने के लोग क्या है इसका काम कर रहे हैं, इसी के पास तो उससे नुकसान क्या है सेलिंग में, सेलिंग कोई कभी देखो भाई आ तो जाएगा, आने के बाद सस्टेन रहता है कि नहीं रहता, प्रोडक्ट मैटर है, इमोशनली कनेक्ट है, फायदा क्या, कभी भी नहीं जाएगा है ना। अगर मैं आपके पैसे को डोनेट करता हूँ लेकिन डोनेट करता हूँ किसी और जगह,
मैं आपको फुल प्रूफ एविडेंस नहीं दे रहा, तो मैं आपसे ले तो रहा हूँ पैसे, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा। अब उसकी टाइमिंग उसने डाइल्यूट किया, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सिर्फ रमजानों में लोग निकलते हैं इफ्तार कराने के लिए, अब बाकी दिनों में क्यों नहीं निकलते, जरूरत ही नहीं। मुहर्रम में क्यों न्याज के चंदे होते हैं, समझ आएगी बात? स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक काम होगा ना। अब इसके बाद अगर आप कह रहे हो कि मैं अब नॉर्मल भी देख खिलाऊंगा तो खिलाओ, फायदा तो हो रहा है ना, बस कोई रिटर्न एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना, ये बात। ये आपके वो पॉइंट्स हैं। अच्छा थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं, ये जो हमने ब्रांडिंग वगैरह की बात की है वो अलग पॉइंट्स। अट्रैक्ट करता है, हेल्प करना लोगों को, भाई ऐसी बात है, जो अच्छे इंसान के साथ आप ताल्लुक रखोगे तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे काम कर रही है आप बोलते नहीं यार इसका पार्ट बनना चाहिए। आप लोग अच्छी कॉलेजेस में क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना कि यार यहाँ पर एक्टिविटीज बड़ी अच्छी है, ठीक है। बार बार तो जाते हैं सिर्फ नाम होने के लिए, ठीक है। बहुत से कॉलेजेस है हमारे नाम भी है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करते हैं ताकि सोसाइटी अपलिफ्ट हो। सोसाइटी अपलिफ्ट कैसे होगी, सोसाइटी अपलिफ्ट करना अलग बात है, लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी बेस्ट क्वालिटी दे विथ लो प्राइस, सॉरी फेयर प्राइस, नॉट लो प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब ये कि जितनी प्राइस होनी चाहिए उतनी, मिसाल के तौर पर आपको पता चल गया कि यार ये दवाई अब शॉर्ट हो गई, ये गलत है, ये डिस्प्लिन हो गई, तो ये गलत है। स्टॉक बढ़ रही है उसमें आती है पेट्रोल पंप बंद हुआ था तो एक ही पेट्रोल पंप खुला हुआ था इस इलाके में, वो कौन से व्याकत नेशनल के बिल्कुल सामने वाला, वही पेट्रोल दे रहा था। सही थी। तो ये सारी चीजें जो कि आपके, अच्छा लेवरेज जिस तरह मिलता है एम्प्लॉयज को भी लेवरेज मिल रहा होता है कि यार ये इस इदारे में काम करने वाला इंसान है, थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए हैं। इसी तरह इस पेज को रीड आउट कर लें, और अगर कोई चीज हो, क्योंकि ये टॉपिक कल की क्लास में फिर वाइंड अप करूँ, अभी 10-15 मिनट लिए कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लो। इनकम और पीएम
ऑनलाइन वालों कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो तो प्लीज पूछें यार। क्या मेरा भाई empowers employees, social responsibility empowers employees to leverage the corporate resources at their disposal. देखो मेरी बात सुन, मिसाल के तौर पे जब एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही होती है ना, और जब वहां का एम्प्लॉय उस इदारे का को छोड़ के किसी और इदारे में जाता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे इदारे वाले उसको एक लेवरेज देते हैं कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है, इसने इस इदारे में काम किया, वहां पर इसी तरह के लोग काम करते हैं, इसने हर एंगल को देखा, इसका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से ज्यादा है, डिफर ये चीजें के लिए लेवरेज मतलब रियायत देना। सही मेरे भाई कि मैं मिसाल के यार आप लोगों को लेवरेज दे रहा हूं मैं कि आप रीड करके बता दो, या मैं आपको लेवरेज दे रहा हूं पहले आप पढ़ लो फिर टेस्ट देना। इंक्रीज होना, एक होता है ना बड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आ जाता है कि भाई बड़ा फास्ट फॉरवर्ड इंक्रीज आ रहा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और बात सफा ये नेगेटिव इंपैक्ट भी दे देता है कि आप अपने आप को सिर्फ हेडलाइन में रखने के लिए काम कर रहे हो, देखो परसीव जैसे किया जा रहा है उसको रोक नहीं सकते आप। ये तो गलत बात नहीं कर सकते, हाँ भाई ऑनलाइन सारे सो तो नहीं गए, ठीक है भाई। अभी आपकी कौन सी क्लास है? ठीक है, क्या सीन है, डन करें यहाँ पे क्या आगे लेके चले? ले चले, खत्म नहीं होगा, मैं चाह रहा थोड़ा चीज सुकून से जब निकल सकते, देखो ये वाला पेज है फिर मतलब पेज इतने नहीं, इतना ज्यादा भी वो पेलने वाला इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए यार, कभी पढ़ाना है पेलना थोड़ी है, मतलब सही है फास्ट ट्रैक है, इसका मतलब थोड़ी के टूटते जाए मजीद दूसरे भी तो टॉपिक है ना। तो जरा एक काम करो मुझे बताओ कि अभी हमने पूरा क्या क्या पढ़ा होगा रिवाइज करके बता सकते हो जल्दी से? हाउ डज सीएसआर कंसीडर इकोनॉमिक इशू? सीएसआर ओनली डूएबल व्हेन दे कंसीडर द इकोनॉमिक इशू, विदाउट कंसीडरिंग द इकोनॉमिक इशू हाउ कैन वी डू सीएसआर? समझे आप ना?
ठीक है चले जी, यहाँ तक हम इस सेशन को रखते हैं, चीजें फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं।